राम राम भाई सारे हैं। आज की वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविल भाई की। डेविल भाई ने हमारे को कमेंट किया है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा कर्तव्य है कि हम डेविल भाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उन्हें एक अच्छे सॉल्यूशन को फिक्स कराएंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि वो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर है। तो डेविल भाई लिखते हैं कमेंट में, भाई मैंने सेकेंड हैंड आईफोन 11 बाई किया है, बहुत बढ़िया बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसमें इंडेक्स फिंगर से फायर बटन नहीं दबता, सिंगल टैप पर ये फिक्स कैसे करें? भाई सिंगल टैप पे ये हो या किसी पर भी हो, पहली बात तो ये कि भाई इंडेक्स फिंगर आप यूज़ करते हो आईफोन 11 या आईफोन की किसी भी सीरीज़ में तो वो इजीली वर्क करता है। अगर आप में नहीं कर रहा तो आपको चेक करके लेना चाहिए था, क्या पता आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डैमेज पीस ना हो या फिर आपकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज आपको हम सोल्यूशन ये देंगे। कंट्रोल सिस्टम में जाना है, कंट्रोल सिस्टम में आपके पास दो टाइप के बटन होते हैं, आपको ये बात पता होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये होता है अपना फायर बटन जो मोमेंट वाला होता है, और ये फिक्स बटन होता है जो कि इंडेक्स फिंगर में मोस्टली यूज़ किया जाता है। अगर आपका एम वगैरह हिल रहा है या फिर वो चल नहीं रहा तो आपको देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस वाले फायर बटन को यूज़ नहीं करना है, जिसकी पीक जो लेफ्ट साइड जा रही है ना ये चोच, वो आपको यूज़ नहीं करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, मे भी आपने शायद ये गलती कर रखी होगी, तो इसको तो यहाँ पे आप या तो साइड में कहीं फेंक दो अगर आप इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हो, और जिसकी पीक थोड़ी सी है राइट की साइड जा रही है, इस बटन को आपको एडजस्ट करके यहाँ पे अपने बटन पे लगा देना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कई बार आपका जो बटन है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप लगा के जीरो कर देते हो, जिससे कि कई बार अगर आप यहाँ टच करते हो इस जगह तो आपका फायर बटन काम कैसे करेगा। तो आपको स्टार्टिंग में फायर बटन की ट्रांसपेरेंसी को 100 ना रखते हुए 50 से 70 के बीच में रख लेनी है, 60% जैसे मैं यहाँ पे आपको रख के दिखा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा रहेगा कि मेरा फायर बटन किस जगह पर है। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना भाई मेरे, इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। और दूसरी बात ये रहने वाली है कि आपको कभी भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डेविल भाई, जैसे आपके दोनों फायर बटन है इसके ऊपर क्रिस क्रॉस करके दोनों साइड लगा देता है, जिससे कि उनको लगता है कि भाई मेरा कहीं से भी फायर जो है वो छूटेगा नहीं, ड्रॉप नहीं होगा कभी भी, ये पूरा एंगल मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया जो है वो मैंने कवर कर लिया है। बट ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंगल बटन को ही आपको यूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ सिंगल बटन को, और उसका साइज़ भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितने में आपकी फिंगर आती है। ओवरलैप या मल्टी टच वाले इश्यूज़ आपको ना क्रिएट होए, तो ये इसका सबसे परफेक्ट और इजी सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आएगा, इसको एक बार ट्राई करना, और गारंटी है इस बात की कि आपकी जो प्रॉब्लम है डेविल भाई वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी इस सॉल्यूशन के बाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, शाबा खेर, एंड राम राम भाई सारे अनु, लेट्स गो वे।